हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डूडी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के टॉपिक अरस्तु के एक टॉपिक की, उन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक या फिर प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, इस पर बात करेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान का उद्भव पश्चिमी जगत में हुआ था। इसका प्रारंभ अरस्तु से माना जा सकता है। जिस प्रकार प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का प्रेरणेता माना जाता है, उसी प्रकार अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु के पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, लेकिन उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित था। अरस्तु के पूर्व राजनीतिक चिंतन तो था, परंतु राजनीति कोई विज्ञान नहीं था। राज्य विषयक चिंतन तथा राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का श्रेय अरस्तु को है। क्यों ऐसा कि अरस्तु से पहले प्लेटो हुए थे, सुकरात हुए थे, लेकिन फिर भी अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक या फिर प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है और प्लेटो को प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि प्लेटो ने जो स्टेट दिया था वो एक आइडियल स्टेट था, एक आदर्श राज्य की उन्होंने बात की थी। उसके कुछ सिद्धांतों को अमल में ला पाना बेहद ही कठिन था। जैसे उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था, परिवार विषयक साम्यवाद, संपत्ति विषयक साम्यवाद। उन्होंने कहा कि समाज को तीन वर्गों में बांट दिया जाए और जीवन भर एक वर्ग को एक काम सौंपा जाए और वो उसी काम को जीवन भर करता रहे। तो ऐसे उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे जो बेस्ट तो थे लेकिन प्रैक्टिकेबल नहीं थे। वो प्रैक्टिकल सिद्धांत नहीं थे, प्रैक्टिकल लाइफ में उनको लागू करना पॉसिबल नहीं था। तो प्लेटो ने बात तो की, उन्होंने एक आदर्श राज्य की बात की, लेकिन अरिस्टोटल या अरस्तु ने बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट के बारे में बात की। उन्होंने ऐसे स्टेट के बारे में बात की जिसको अमल में लाया जा सकता है। प्लेटो ने राजनीति को यानी पॉलिटिक्स को एथिक्स के साथ जोड़कर रखा। जैसे उन्होंने कहा कि एक दार्शनिक ही राजा हो सकता है, यानी पॉलिटिक्स मतलब एक राज शासन की बात कर रहे थे वो। शासन कौन कर सकता है? राजा। और एथिक्स, यहाँ पर उन्होंने दर्शन को साथ जोड़कर रखा कि एक दार्शनिक ही राजा हो सकता है। तो उन्होंने एथिक्स को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया। जैसे उनकी न्याय की धारणा भी एथिक्स पर आधारित थी, यानी अच्छे मूल्यों पर आधारित थी, कि न्याय का मतलब क्या है? अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना। तो उन्होंने पॉलिटिक्स और एथिक्स को मिक्स रखा, इनको अलग नहीं करने दिया, इसलिए उनको प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है, ना कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक। लेकिन अरस्तु ने पॉलिटिक्स और एथिक्स को कुछ हद तक अलग कर दिया, इसलिए इन्हें प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। सेकंड थिंग ये कि अरिस्टोटल को फंक्शनलिस्ट भी कहा जाता है। फंक्शनलिस्ट मतलब, फंक्शनलिस्ट का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी इंस्टीट्यूट जैसे प्रॉपर्टी हो गया, फैमिली हो गया, ये जो भी इंस्टीट्यूट है इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखता है, इनमें पॉजिटिव बातें देखता है और उनको मेंटेन करके रखना चाहता है, जो एक इंस्टीट्यूट की फंक्शनल इम्पोर्टेंस समझता है, ठीक है, उसको जस्टिफाई करता है, इसमें पॉजिटिव थिंग्स ढूंढता है, उसको जस्टिफाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गांधी जी हैं, जैसे अम्बेडकर जी थे, उन्होंने कास्ट सिस्टम था इंडिया में, जातिवाद, उनकी नेगेटिव साइड्स देखी और उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन गांधी जी ने कास्ट सिस्टम की अपनी एक डेफिनेशन दी, उसकी पॉजिटिव साइड्स देखी और इसको प्रिजर्व करके रखना उन्होंने ज़रूरी समझा। कहा कि कास्ट सिस्टम, अगर इसमें शोषण ना हो तो ये वर्ण जो आधारित व्यवस्था है ये सही है। उन्होंने इसकी अपनी पॉजिटिव डेफिनेशंस दी थी जो हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ेंगे। तो दो थिंकर थे, अम्बेडकर एंड गांधी, लेकिन दोनों का कास्ट सिस्टम को देखने का रवैया अलग अलग था। एक जना उसकी पॉजिटिव डेफिनेशन देख के उसको फंक्शनल इम्पोर्टेंस समझ रहा था और एक जना उसकी नेगेटिव डेफिनेशन देख के उसको हटा देना चाह रहा था। तो फंक्शनलिस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी इंस्टीट्यूट है लाइक प्रॉपर्टी, फैमिली, उसकी फंक्शनल इम्पोर्टेंस देखकर उसको मेंटेन करके रखना। तो अरस्तु को फंक्शनलिस्ट भी कहा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी है, सदियों से चली आ रही है, इसमें मानव में सद्गुणों का विकास होता है। फैमिली है, इसको भी हम हटा नहीं सकते। तो इन्होंने क्या कहा कि इन सब इंस्टीट्यूट्स की इन्होंने पॉजिटिव साइड देखी और इनको मेंटेन करना जारी रखा। इन्होंने प्लेटो का इस मामले में क्रिटिसाइज़ किया कि इनको हम अलग, इंसान को इनसे हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। प्लेटो को कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। कंजर्वेटिव मतलब कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति, उनको मेंटेन करके रखना,
यानी प्लेटो ओवरनाइट चेंज में बिलीव नहीं करते थे कि एक रेडिकल चेंज नहीं होंगे, एक्सट्रीम चेंजेस नहीं होंगे, वो प्रैक्टिकल चेंजेस में बिलीव करते थे। ये कहते थे कि हमें गुड का सेक्रीफाइस नहीं करना है फॉर द सेक ऑफ बेस्ट, क्योंकि बेस्ट है वो अनअचीवेबल होता है। तो हमें गोल्डन मीन इज़ ए गोल्डन रूल के सिद्धांत पर चलना है, यानी जैसे ये लोएस्ट पाथ है, ये मीडियम पाथ है और ये बेस्ट पाथ है, लेकिन ये बेस्ट है वो अनअचीवेबल है, इसको हम अचीव नहीं कर सकते, तो हमें जो मीडियम पाथ है उसको लेकर चलना चाहिए। हमें बेस्ट के चक्कर में जो ये गुड है इसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। तो हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, उनको कंजर्व करके रखना चाहिए। इनके रातों रात इनमें चेंजेस नहीं करने चाहिए कि रातों रात भाई इनमें चेंजेस हो जाएं, ये बिल्कुल बदल जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें इनमें चेंजेस करने चाहिए और गुड के लिए हमें बेस्ट के लिए हमें गुड का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा कि जो अरिस्टोटल की अप्रोच थी वो मोर प्रैक्टिकल थी, ये बेस्ट ऑन कॉमन सेंस थी, ना कि वो सिर्फ आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे थे, ना बेस्ट के बारे में, वो कह रहे थे कि हमें प्रैक्टिकेबल जो गुड है उसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उनका कहना था कि जो ये वर्ल्डली आइडियाज़ हैं, इस संसार के जो आइडियाज़ हैं इनमें हमें वाइज होना चाहिए, ना कि प्लेटो ने जैसे कहा था कि इस वर्ल्ड से परे एक और दूसरा वर्ल्ड है, भगवान की दुनिया है, वहाँ का ज्ञान आपको प्राप्त होना चाहिए, आपको दार्शनिक होना चाहिए, तभी आप राजा बन सकते हैं। तो प्लेटो ने कहा ऐसा नहीं, हमें इस दुनिया के आइडियाज़ के बारे में ही वाइज होना चाहिए। तो अरिस्टोटल भी सोफिस्ट का क्रिटिक था लाइक प्लेटो, ठीक है, और उनको अरिस्टोटल को रूल ऑफ लॉ का फादर भी कहा जाता है एंड फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। ये आपने देखा होगा अरस्तु के संविधानवाद में। तो ये प्लेटो और अरस्तु का थोड़ा डिफरेंस हमने देखा, ठीक है। तो हमने देखा कि अरस्तु के पूर्व भी राजनीतिक चिंतन तो था लेकिन राजनीतिक विज्ञान नहीं था, विज्ञान का दर्जा यहाँ पर अरस्तु ने ही राजनीति को दिया। इसी कारण मैक्सी अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट की संज्ञा देते हैं। अरस्तु की पद्धति और उसके दर्शन में निहित सार्वभौम तत्व उसे राजदर्शन के इतिहास में प्रथम वैज्ञानिक वैचारिक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। सर्वप्रथम इंडक्टिव मेथड यानी आगमनात्मक पद्धति, क्या है, इंडक्टिव मेथड का प्रयोग अरस्तु ने किया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अरस्तु का मेथड था वो इंडक्टिव था और प्लेटो का मेथड था वो डिडक्टिव मेथड था। इनमें डिफरेंस क्या है? इंडक्टिव का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर चीज़ से हम किसी चीज़ को जर्नलाइज करें। अब फॉर एग्जांपल न्यूटन ने एक पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा, उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी घटना, कोई पर्टिकुलर चीज़ देखी, उससे उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया कि भाई पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो ये उन्होंने क्या किया, फिर एक जनरल हर वस्तु के लिए ये सिद्धांत दे दिया कि आप सेव ही नहीं, कुछ भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे जाएगी। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर छोटी सी घटना देखी, उससे उन्होंने क्या किया, जर्नलाइज कर दिया, एक पूरे विश्व के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत उन्होंने दे दिया था। तो ये होता है इंडक्टिव मेथड, व्हेन वी मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल थिंग्स। डिडक्टिव मेथड का क्या मतलब होता है, इसका जस्ट अपोजिट, जर्नल से कोई पर्टिकुलर चीज़ के साथ हम जाते हैं, मतलब कंक्लूजन हमें पहले से पता होता है, उसके बाद हम उसके रीजंस देते हैं। तो ये प्रॉपरली टेस्टेड नहीं होता डिडक्टिव, क्योंकि इसमें कंक्लूजन हम माइंड में पहले रख लेते हैं, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए हम अपनी तरफ से रीजंस देते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटो थे, उनके माइंड में पहले से था कि उनको फिलोसोफर किंग रखना है अपने राज्य में, उन्होंने फिलोसोफर किंग का सिद्धांत दिया था, दार्शनिक राजा का। तो उन्होंने पहले ही अपने माइंड में रखा था फिर कि मेरे जो राज्य है उसका शासन किसके हाथ में होगा, एक दार्शनिक राजा के हाथ में होगा। फिर इस दार्शनिक राजा के हाथ में क्यों होगा, इस क्यों को उन्होंने, क्योंकि इन्होंने फिर बाद में क्या किए, रीजंस दिए कि भाई दार्शनिक राजा को ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, वही सब कुछ अच्छे से समझ सकता है, उसमें प्रॉपर्टी का लालच नहीं होता, फैमिली का लालच नहीं होता, वह समाज को पहले रखता है अपने से। तो इनके माइंड में तो कंक्लूजन तो पहले ही था कि मेरे को दार्शनिक राजा का सिद्धांत देना है, फिर उन्होंने इसको जस्टिफाई किया कि भाई मैंने ये ऐसा क्यों कहा कि दार्शनिक राजा ही राजा होना चाहिए। आगे बात समझ में, इंडक्टिव का मतलब क्या है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल, एक छोटी सी घटना से उसको एनालाइज करेंगे, छोटी सी घटना को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम उसको जर्नलाइज करेंगे। डिडक्टिव का मतलब कुछ कंक्लूजन पहले होगा फिर उसके बाद हम उसके रीजंस दिए जाएंगे, मूविंग फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर, ठीक है।
ये उनके मेथड में डिफरेंस था, इंडक्टिव अप्रोच लगाई उन्होंने, मेथड ऑफ साइंस है इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है, और डिडक्टिव मेथड है वो मेथड ऑफ फिलोसफी है, फिलोसफी में ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसीलिए उनको इन सब चीज़ों के कारण राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने विश्लेषणात्मक पद्धति का यूज़ किया, तुलनात्मक पद्धति का यूज़ किया, उन्होंने क्या किया था 158 आपने पढ़ा होगा 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन किया, उनको सबको आपस में कंपेयर किया, उसके बाद उन्होंने बेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताया कि कौन सा है, कौन सा जो बेस्ट शासन है वो कौन सा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्व किया, कंपेयर किया डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशंस को, उसके बाद उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो इसलिए ये सब जो जो भी चीज़ें इन्होंने अप्लाई की ये जनरली साइंस में अप्लाई होती हैं, इसलिए उनको इन चीज़ों के कारण राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जन्मदाता और विकासकर्ता भी है, उसके द्वारा प्रस्तुत विचार आज भी प्रासंगिक है। अरस्तु ने विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स में सर्वप्रथम प्रवेक्षण तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया, क्या था वो 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का उन्होंने अध्ययन किया, आपस में उनको कंपेयर किया, तो उन्होंने साइंस का यूज़ किया है। वे राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप देना चाहते थे, उन्होंने दिया। प्लेटो में जैसे हमने देखा राजनीति और नीति शास्त्र मिश्रित था, इन्होंने राजनीति और नीति शास्त्र को अलग किया, यानी पॉलिटिकल साइंस बिगिंस विद एरिस्टोटल, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। सबसे पहले राज्य के संपूर्ण सिद्धांत का व्यापक रूप में अध्ययन एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने किया। राज्य की उत्पत्ति व विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान के बारे में, नागरिकता के बारे में, कानून के बारे में, क्रांति के बारे में, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने विवेचन किया है और स्पष्ट विवरण दिया है। प्लेटो में ऐसा नहीं मिलता, प्लेटो ने नहीं बताया कि राज्य का विकास कैसे होता है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, नागरिकता के बारे में प्लेटो ने कुछ नहीं बताया, न्याय के बारे में क्रांति के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, कानून के बारे में उनके विचार नहीं हैं। तो ये जो सब राजनीतिक विज्ञान के स्पष्ट विचार हैं ये एरिस्टोटल ने सबसे पहले दिए कि राज्य का कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे उसका विकास हुआ, कैसे कानून, कैसे नागरिकता, कैसे क्रांति होती है। तो उन्होंने कहा, उनका जो एक प्रसिद्ध कथन भी था, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, ठीक है। तो अगली बात, अरस्तु ने सर्वप्रथम शासन व्यवस्था के तीनों अंगों, नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक अंग का निरूपण किया है। अरस्तु कानून की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे, देखा होगा आपने कि वो कानून को सर्वप्रथम रखते थे, कानून की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे और संवैधानिक शासन में उनका विश्वास था, इसलिए उसे संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधानों का अध्ययन किया था, संविधान का वर्गीकरण किया था, इसलिए उनको संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। वैज्ञानिक सूझबूझ के द्वारा मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था उन्होंने, इसी कारण समस्याओं पर यथार्थवादी और व्यवहारिक रूप से वे विचार कर पाते हैं। उन्होंने कहा, प्लेटो की तरह हमें बेस्ट के पीछे नहीं भागना है, हमें मीडियम पाथ को अपनाना है, रातों रात चेंज नहीं हो सकते, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप रेडिकल या एक्सट्रीम चेंज ले आओगे, आपको मीडियम पाथ को, जो गुड है उसको फॉलो करना है, गुड के चक्कर में, बेस्ट के चक्कर में आपको गुड को नहीं खोना, जो आप अचीव कर सकते हो आप उसको अचीव करो, ठीक है। ऐसे उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण किया था और इन्होंने क्या हुआ कि मिश्रित शासन पर इन्होंने विचार किया, जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का सुंदर समन्वय इन्होंने किया है, वो भी आपने देखा होगा। लोक कल्याणकारी राज्य के भी प्रवर्तक थे, जब वे कहते थे कि राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है और वह शुभ और सुखी जीवन के लिए उसकी निरंतरता बनी हुई है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में अपने कहा था कि राज्य का जो उत्पत्ति है वो व्यक्ति के लिए हुई है और वो आज भी व्यक्ति के अच्छे के लिए और सुखी जीवन के लिए बना हुआ है। राज्य में न्याय और शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया इन्होंने, किसी सुसंस्कृत समाज के लिए न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, राज्य के नागरिकों में संविधान और राज्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने में शिक्षा महत्वपूर्ण है, ये भी इनके विचार थे। तो निष्कर्ष रूप में सभी तत्वों पर हम विचार करें तो स्पष्ट है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक और राजनीतिक विज्ञान का जन्मदाता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग जो आज भी प्रासंगिक है, उसने जिस विषयों पर विचार किया तथा अपने सिद्धांत दिए वे आज भी उसी प्रकार हैं।
जैसे आज भी नागरिकता बनी हुई है, कानूनों पर विचार होता है, संविधानों पर विचार होता है, तो इन्होंने उस टाइम में जो विचार दिए थे वो आज भी बने हुए हैं। इन्होंने राजतंत्र, कुलीन तंत्र सबके बारे में विचार किया था। तो इन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में विचार किया, जैसे जब इन्होंने कहा कि राज्य की निरंतरता व्यक्ति के सुखी जीवन के लिए बनी हुई है। इन्होंने न्याय को स्पष्ट किया, शिक्षा के बारे में अपने विचार दिए, ये सब आज भी बने हुए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अरस्तु थे वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है।